हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रहणी गार्डन ब्लॉग समय। दोस्तों, कल हमारे बौद्ध विहार में धम्म गुरु पधारे हुए थे, उनके आगमन का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। आज का हमारा सेकंड वीडियो है कि किस प्रकार से हमने हमारे धम्म गुरुओं का स्वागत किया, साथ में जो हमने स्वागत करने के बाद में भोजन दान करवाया गया है और भोजन दान किस प्रकार से हमने हमारे धम्म गुरुओं को करवाया और भोजन दान का क्या महत्व होता है और क्यों करवाना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करवाना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। आप लास्ट तक मेरे वीडियो में जरूर बने रहिए, आप लोगों को सारा कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो धम्म गुरु पधारे हुए हैं उनका हमें करना है स्वागत। तो यहाँ जो हमारे बौद्ध विहार से जुड़े हुए है सामाजिक उपासक उपासिकाएं और सभी लोगों के द्वारा यहाँ हमारे धम्म गुरुओं का स्वागत करवाया गया फूलों के द्वारा, और स्वागत करने के बाद में हमारे जितने मतलब 5 धम्म गुरु हमारे बौद्ध विहार में पधारे हुए थे उनके पैर धोए, और पैर धोने के बाद में सभी जो पुरुष लोग होते हैं धम्म गुरुओं के पैर वही धोलते हैं, हम जो उपासिकाएं होते हैं वो हमारे धम्म गुरुओं के आसपास मतलब ज़्यादा नज़दीक नहीं जाते हैं, तो बस यहाँ पैर धोने के बाद में सीधे चलते हम लोग बाबा साहब के पास में। हमारे धम्म गुरुओं के द्वारा बाबा साहब को माल्यार्पण करवाया गया, क्योंकि बाबा साहब को अगर हम लोग माल्यार्पण नहीं करवाते और हमारे धम्म चर्चा अगर कर देते तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत होता। तो सबसे पहले हमने यहाँ बौद्ध विहार में जो हमारे बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करने के बाद में धम्म गुरु सीधे हमारे बौद्ध विहार में पहुंच चुके हैं और अब हमें इन्हें करवाना है भोजन दान, क्योंकि भोजन दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। भोजन दान तो हमारे धम्म गुरु, अभी वर्षावास का समय चल रहा है तो घर घर जाके भी निमंत्रण रहता है, साथ में अगर बौद्ध विहार में अगर है तो बौद्ध विहार में भी उन्हें हम अपने घर से भोजन बनाकर दान कर सकते हैं। तो आज हमने जो भोजन दान करने का जो था हमें, तो घर से ही हमने भोजन दान पूरा बनाकर लेकर आए थे और सभी लोग अपने अपने घर से कई प्रकार का भोजन बनाकर लाया है। और साथ में देखिए हमारे जो गुरु जो है वो अभी जो उनका पात्र होता है उसी पात्र में वो खाना खाते हैं। हमारे घर में जैसे जो थाली वगैरह होती है, जैसे कभी होता है कि हम लोग थाली में एक साथ में सारा खाना परोस कर दे देते हैं, लेकिन जो हमारे गुरु होते हैं वो हम कभी भी एक हमारे घर की थाली में खाना नहीं खाते हैं, और उनका जो पात्र होता है पात्र में ही हमें जो भी हमारे घर से हमने खाना बनाकर लाया है वो एक पात्र में देने के बाद में ही खाते हैं। तो यहाँ देखिए सारा जो भोजन हमने बना के लाया है उनके पात्र में डाल देंगे जितना भी लग रहा है, और जो नहीं लग रहा है वो हमें इशारा कर देंगे, क्योंकि बात नहीं करते हैं मतलब चुपचाप ही खाना खाते हैं। कई बार होता है ना कि हम लोग भी खाना खाते हैं तो बातें करते करते खाना खाते हैं, लेकिन कभी भी खाना खाते वक्त किसी को भी बातें नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए सभी लोगों ने कई प्रकार का यहाँ खाना बनाकर लेकर आए हैं और अब करने वाले भोजन दान। भोजन दान करने से पहले कुछ शब्द है जो आज हम लोग सुनेंगे। दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सफलं भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागतं पटिसंखायो निशो मित्रपातं पटिसेवां देवदवाय नमदाय नमंदनाय नविभूषणाय यावदेव इमस्सकाय सद्वितीया यापनाय हिंसो परतिया ब्रह्मचर्यानुकाय इति पुराणं च वेदनं पर्यङ्कानि नवं च वेदनं न उपादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनुवज्यता च आसु विहारो च साधु 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 नमं नमामि सर्वं नमामि सर्वदामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि सर्वदा।
जो हमने भोजन करवाया है, भोजन के बाद में आप लोगों के द्वारा भोजन करवाया गया धन्यवाद के रूप में, फिर आप और देखिए कि भोजन दान के बाद में हमारे गुरुओं ने क्या कहा। सदा सुखी भवन्तु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु। अभिवादनशीलस्य निच्छं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सर्व संपत्तिमेव च ततो निर्वाण संपत्ति इमिनाते समीक्षतु। दोस्तों यहाँ धम्म गुरुओं को हमने भोजन दान करवाया, भोजन दान करने के बाद में जो हमने भोजन करवाया है उसके लिए उन्होंने हमें किस प्रकार से धन्यवाद दिया है, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि अगर हम किसी को भोजन दान करवाते हैं और उसके बाद में हमें जो धन्यवाद के पात्र माना जाता है उसके लिए बहुत ही शुभ बातें जो आज उन्होंने हमारे लिए कही है और हमारी मंगल कामना हमारे पूरे परिवार के लिए की गई है। तो यहाँ देखिए उसके बाद में हमारे बौद्ध विहार में हो रही है धम्म चर्चा। थैंक यू।